नमस्कार किसान मित्रों, मैं ज्योति पंथी वसुंधरा कृषि यंत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ। किसान मित्रों, ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये जो मशीन है भूसा भरने के उपयोग में आती है। इससे आप सभी प्रकार का भूसा भर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो सरसों की तुड़ी, धान, गेहूँ और कपास और मक्का, बाजरा, इन सभी का भूसा आप इसके द्वारा भर सकते हैं। बेसिकली मशीन का काम होता है भूसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भरने का, या आप अगर इजी लैंग्वेज में देखें तो लोडिंग और अनलोडिंग करने का काम मशीन का होता है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये हमारा इनपुट पॉइंट है। यहाँ से मशीन भूसा खींचती है। ये इसकी जो कैपेसिटी रहती है वो 10 से 15 फीट की दूरी से भूसा खींचने की कैपेसिटी रहती है। साथ ही में ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये हमारा आउटपुट पॉइंट होता है, जिससे भूसा जो है 125 से 150 फीट की दूरी तक फेंकने का काम ये पॉइंट मशीन करती है। इसकी जो कैपेसिटी रहती है फेंकने की वो 125 से 150 फीट की रहती है। किसान मित्रों, ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये भूसा भरने की मशीन है। इसको हम भूसा पंप, भूसा स्ट्रॉ लोडर और भूसा मशीन और इस तरह के कई सारे नामों से अलग अलग जगहों पर बुलाते हैं, जानते हैं लोग। जैसे हम देखें तो बेसिकली अगर आप पॉइंट देखें तो ये जो मशीन है ना, सभी प्रकार का भूसा भरती है। इसमें अगर आप देखें तो ये मशीन धान का भूसा, गेहूं का भूसा और सरसों का भूसा, तुड़ी, चने का भूसा, आप देखें तो मूंगफली के छिलके, साथ ही में कपास जो होता है वो भी इससे लोडिंग अनलोडिंग आप कर सकते हैं। साथ ही में जो लकड़ी का बुरादा निकलता है वो आप भर सकते हैं। कई जगहों पर अनेक प्रकार का वेस्टेज निकलता है जो कि काफ़ी लाइट वेटेड होता है, पर उसे भरने में समय ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये गोडाउन में और खेत में सभी जगह पर आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको गोडाउन से अगर ट्रॉली भरनी है तो ट्रॉली भरने के काम कर देगी, गोडाउन में भरना है तो अनलोडिंग का काम भी कर देगी, ट्रैक्टर से ट्रॉली को अनलोडिंग करने का काम भी कर देगी। साथ ही में अगर हम इसकी अब कैपेसिटी के बारे में जानें तो ये इसका इनपुट पॉइंट होता है, जिसकी कैपेसिटी होती है 10 से 15 फीट की। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये आउटपुट पॉइंट होता है, जो कि जिसकी कैपेसिटी होती है 125 फीट से 150 फीट की दूरी तक भूसा फेंकने की। इस मशीन से आप ऊंचाई में भी भूसा भर सकते हैं, जिसमें आप अगर आप भरते हैं तो 45 डिग्री के एंगल पे स्लोप मोशन सीढ़ी नुमा पाइप को रखकर आप इससे 30 फीट की ऊंचाई तक भी भूसा भर देते हैं। पर आपको पाइप को उस समय पर 45 डिग्री के एंगल पर रखना होगा, जिससे आपका भूसा भरना बहुत आसान हो जाएगा ऊंचाई में। किसान मित्रों, ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इसमें अभी हम 4 मॉडल बना रहे हैं। अगर आप देखें तो मोटर में आपको 2 मॉडल मिलेंगे और ट्रैक्टर में आपको इसके 2 मॉडल मिलेंगे, जिसमें अगर आप देखें तो मोटर ऑपरेटेड जो मशीनें होती है वो 7.5 HP और 10 HP में आपको उपलब्ध रहेंगी हमारे पास। और ट्रैक्टर में अगर आप देखें तो 2 मॉडल होते हैं, 10 HP का और 15 HP का, जिनकी कैपेसिटी काफ़ी बढ़िया होती है और दोनों ही ट्रैक्टर से चल जाती हैं। साथ ही में अगर आप देखें तो ये जो मशीन अभी आप देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन है। और ट्रैक्टर ऑपरेटेड मशीन की खासियत ये है कि ये ट्रैक्टर के साथ साथ मोटर से भी चल जाती है, तो आप इसको दोनों के द्वारा उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इस मशीन को मोटर द्वारा उपयोग करना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। आप चाहें तो इस पर एक ब्रैकेट बनवा सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से लोकल मार्केट में कोई भी बना करके दे देता है। अगर आप चाहें तो हमारी कंपनी द्वारा भी बनवा सकते हैं इसमें ब्रैकेट, जिस पर मोटर रखा जाती है उस पर सिर्फ आपको मोटर 10 HP से 15 HP की मोटर इस पर लगा करके आप काम कर सकते हैं। जो मोटर इस पर लगेगी उससे सिर्फ आपको एक ये 2 पुली का जो बेल्ट है वो निकालने रहेंगे। इस पुली मोटर पर लगी हुई पुली का बेल्ट आपको इस पुली पर चढ़ाना रहेगा, मशीन डायरेक्टली काम करेगी स्टार्टर केबल लगा करके। पाइप अगर आप देखें तो इसका जो इनपुट और एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर 6 इंची का पाइप लगता है, दोनों तरफ ही 6 इंची का पाइप हम यूज़ करते हैं, जो कि टेक्समो टाइप चूड़ीदार होता है। किसान मित्रों, जैसे कि आपने देखा हुआ है, ये जो मशीन है ना, 4 पुली और 4 बेल्ट पर आधारित है, जिससे कि क्या होता है कि आपका जो ट्रैक्टर है उस पर लोड कम पड़ता है और कम समय में आपको ये ज़्यादा काम करके देती है। आपका ट्रैक्टर के एक राउंड पर हमारी जो मशीन है वो लगभग 6 राउंड लेती है, जिससे मशीन की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है और कम समय में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप जैसे देखें तो इसमें काफ़ी सारी कंपनियाँ अभी जो भूसा भरने की मशीन होती है उसमें पंखी सिस्टम लगाती है, जो 3 से 4 पंखियों का बना होता है। और बेसिकली अगर उसको आप देखेंगे ना, तो
तो सिर्फ वो एक रॉड पर नट बोल्ट से कसा होता है, जिससे कि कैपेसिटी कम होती है, कैपेसिटी कम बनती है। पर अभी जो हम मशीन दे रहे हैं, इसमें हम आपको इंपेलर सिस्टम दे रहे हैं जो कि पूरी तरह से डायनेमिक बैलेंसिंग करके बनाया जाता है और कैपेसिटी आपको अच्छा देता है। साथ ही में अगर आप देखें तो इसमें हमने चारों तरफ से इसको एयर पैक बनाया हुआ है, तो इसमें से वैक्यूम कहीं भी लीक नहीं होता है, जिसकी वजह से मशीन वैक्यूम ज़्यादा अच्छा बनाती है और कैपेसिटी अच्छी देती है। किसान मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो इसमें टायर लगे हुए हैं, ये दोनों टायर ही सेकेंड हैंड रिमोल्डेड कंपनी यूज़ करती है। हम हमारी मशीन में सेकेंड हैंड रिमोल्डेड टायर आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में अगर आप देखें तो इस टायर के द्वारा आपको एक सुविधा रहेगी कि आप एक ही ट्रैक्टर से मशीन को यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कहीं लाना ले जाना है तो ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगा करके इसको आसानी से आप ला ले जा सकते हैं, और जब भूसा भरना है तो आप मशीन को ट्रैक्टर से कनेक्ट करके चला सकते हैं। नमस्कार किसान मित्रों, मिलते हैं नई वीडियो में, अगली वीडियो में, और चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।